हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा सेकेंड वेव धीरे धीरे जा रही है, जुलाई तक वैक्सीनेशन में तेजी बनाए रखना जरूरी। 17 दिनों में 13 लाख एक्टिव केसेस कम हुए, रिकवरी रेट बढ़कर 90%। 26 मई को देश के लिए किए गए सबसे ज्यादा टेस्ट, 22,17,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टेस्ट। 3 दिन में डेली पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब, 15 राज्यों में रोजाना 5,000 से कम केसेस आ रहे हैं। भारत बायोटेक हर महीने 10 करोड़ और सीरम इंस्टीट्यूट 11 करोड़ से ज्यादा डोज बनाएंगे। वैक्सीन के लिए फाइजर से भी हो रही है बातचीत। अलग अलग वैक्सीन डोज लगाने पर डॉक्टर वी के पॉल का बयान, प्रोटोकॉल के तहत एक ही वैक्सीन के दोनों डोज लग रहे हैं। यूपी में दो अलग अलग डोज दिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच की बात कही, कहा अगर ऐसा हुआ भी है तो साइड इफेक्ट्स की आशंका कम है। देश में 45 प्लस वाले 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, 18 प्लस वाले 1,39,000 लोगों को लगी वैक्सीन। देश को मिलेगी तीसरी वैक्सीन, जून के दूसरे हफ्ते से अपोलो अस्पताल के जरिए मिलेगी स्पुतनिक वी। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल का बयान, अगर लोग कोविड नियमों का पालन करेंगे तो वैक्सीनेशन की मदद से कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। राज्यों में वैक्सीन की कमी पर बोले वी के पॉल, वैक्सीन की सप्लाई बंद नहीं हुई है, वैक्सीन खत्म हो गई है ये कहना ठीक नहीं। वैक्सीनेशन पर बोले वी के पॉल, भारत जैसे देश में जल्द वैक्सीनेशन करना संभव नहीं, सबसे पहले ज्यादा रिस्क वालों को वैक्सीन लगाई। घर के पास ही टीकाकरण को लेकर गाइडलाइंस जारी, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लगेगा टीका। गाइडलाइन के मुताबिक सामुदायिक केंद्र, आरडब्ल्यूए सेक्टर्स, ग्रुप हाउसिंग, सोसाइटी सेंटर, पंचायत भवन और स्कूलों में लगेंगे टीके। यूपी में अब तक 1,36,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, वैक्सीन की कमी की वजह से प्रदेश में वैक्सीनेशन रुका। रघु शर्मा ने कहा हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मांग करेगी कि केंद्र सरकार को विदेशों से वैक्सीन खरीदने का आदेश दे। वैक्सीन बर्बादी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, प्रदेश के वेब पोर्टल से आंकड़े नहीं ले रहा है केंद्र। पंजाब में 1 जून से दुकानदारों, डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स और कैब ड्राइवर्स को भी लगेगी वैक्सीन। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत, इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स को लीज पर देने की मांग की। झारखंड के सीएम ने कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियों से अपील की, 18 प्लस वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की में मांगा सहयोग। पंजाब में एम्फोबी की कमी की वजह से वैकल्पिक दवा का होगा इस्तेमाल, पहला ऐसा राज्य बना पंजाब। गुजरात के वडोदरा में ब्लैक फंगस के 270 मरीज, 7 से 8 मरीजों में मिला येलो फंगस। राउरकेला में से मदुरई पहुंचे ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 5 टैंकरों से पहुंचाई गई 66 मेट्रिक टन ऑक्सीजन। रेलवे ने 26 मई को की 1,195 टन ऑक्सीजन की सप्लाई, अकेले दिल्ली को मिली 5,000 टन ऑक्सीजन। ह्यूंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन ने कांचीपुरम के जिलाधिकारी को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपा। एक महीने में राज्यों को भेजे गए 18,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 19,000 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई मेडिकल सामग्री भेजी गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पॉजिटिविटी की बात करना कोरोना से हुई मौत को छुपाने का पीआर स्टंट है। राहुल गांधी की मौत के आंकड़े पर दिए गए बयान का बीजेपी ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से बात करें राहुल। देश में 2,11,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, 3,847 लोगों ने गंवाई जान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया ऑनलाइन ओपीडी पोर्टल, सशस्त्र बल के जवान और पूर्व सैनिकों को मिलेगी सुविधा। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, कोविड से जुड़ी दवाइयों और उपकरणों पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र में 2100 से ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता से में से किसी एक को खोया, 107 बच्चे हुए अनाथ। दिल्ली में 1,072 कोरोना के नए मरीज मिले, 117 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 3,278 नए मरीज मिले, 188 की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 16,167 लोग संक्रमित, 104 लोगों की मौत। ओडिशा में तूफान यास के चलते कम हुए टेस्ट, पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 34 की मौत। केरल में कोरोना के 24,166 नए मामले, 181 मरीजों ने एक ही दिन में तोड़ा दम। मेरठ में तय किए गए एम्बुलेंस के दाम, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस लेगी 1500 रुपए, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस 2500 रुपए ले। पश्चिम बंगाल में जुलाई में होगी 12वीं की परीक्षाएं, अगस्त में होंगी 10वीं की एग्जाम्स। झारखंड में 9वीं और 11वीं के बच्चे अगली क्लास में किए जाएंगे प्रमोट। महाराष्ट्र के 21 जिलों में कोरोना गाइडलाइंस में नहीं मिलेगी ढील, कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में मिल सकती है छूट। पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। पंजाब में 10 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, निजी वाहन में लोगों की संख्या पर लगी रोक हटाई गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जून में लॉकडाउन हटाने में हो सकती है देरी।
संसद में ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैंकॉक ने दी सफाई। विपक्षी सांसदों ने कोरोना महामारी को ठीक से हैंडल नहीं करने का लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश, कोरोना की आपत्ति का पता लगाए यूएस इंटेलिजेंस। चीन की ने राजनीति करने का लगाया आरोप। जापान डॉक्टर्स यूनियन के चेयरमैन का बयान, ओलंपिक का आयोजन नई मुसीबत का कारण बन सकता है। मलेशिया के हेल्थ डीजी के मेडिकल ऑफिसर डेनिस नर्सों से अपील, कोरोना से जंग में मदद करें। मलेशिया में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण मामले। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चौथी बार लगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 दिन के लिए लगाया गया लॉकडाउन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।